भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने जीता पहला मेडल। भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने का शुभारंभ कर लिया है। जी हाँ, वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने देश को दिलाया पहला मेडल। उन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है और देश के लिए उन्हें प्रेरणा का स्रोत बताया है। तो आइए जानते हैं कौन है मीराबाई चानू और उनके टोक्यो ओलंपिक्स तक पहुंचने के संघर्ष की कहानी। नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा बिष्ट। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, किए कुछ बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी ही पंक्तियों की तरह है एक वेटलिफ्टर की कहानी, जिन्होंने पहाड़ों पर लकड़ी बीनने जाने से लेकर टोक्यो ओलंपिक्स में जाने तक का सफर तय किया है, जिनकी लगन और कड़ी मेहनत ने दुनिया को दिखाया कि एक बार जो ठान ले उसे मेहनत और कोशिश से पूरा किया जा सकता है। वे हैं इम्फाल मणिपुर की साइखोम मीराबाई चानू। मीराबाई ने विश्व चैंपियनशिप तथा राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक हासिल किए हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्हें 2018 में भारत का सर्वोच्च खेल अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा गया है। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर नोंगपोक कांगचिंग गांव में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्हें अपने भाई के साथ पहाड़ों पर लकड़ियां बीनने जाना पड़ता था और वहां से वे लकड़ियों का पूरा गट्ठा उठा के ले आती थी। कह सकते हैं कि वहीं से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। मीरा की वेटलिफ्टिंग कोच कुंजरानी देवी है, जो खुद भी वेटलिफ्टिंग में एक भारतीय खिलाड़ी है। वे भी इम्फाल मणिपुर की ही रहने वाली है। मीराबाई चानू के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 2014 में मीराबाई ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। वर्ष 2016 में मीराबाई ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, परंतु इस ओलंपिक में इन्हें कोई भी पदक नहीं मिला था। सन 2016 में ही इन्होंने साउथ एशियन गेम्स, जो कि गुवाहाटी में आयोजित हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। मीराबाई वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर हैं। यह उपलब्धि उन्होंने 2017 में हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। फिर उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया और चोट लगने के कारण वे 2018 की एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप में नहीं शामिल हो पाए। लेकिन वे फिर से उठी और 2019 के थाईलैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप से वापसी की तथा चौथे नंबर पर रही। अंत में ओटीटी इंडिया मीराबाई चानू को सोहनलाल द्विवेदी जी की ये पंक्तियां समर्पित करता है कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।